हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे नूं। वधिया फार्म यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत है जी। किसान वीरों, अज दी जिहड़ी आपां वीडियो बना रहे हैं, पिंड भगवानपुरा, तहसील डेरा बाबा नानक ते जिला गुरदासपुर, कमल भाई दे घर अज दी आपां वीडियो बना रहे हैं। अज दी वीडियो दे विच तुहानूं तीन पशु दिखाउणे आ, दो गावां ते इक तुहानूं झोटी दिखाउणी आ। दस दिए तिने पशु जो पहले सूबे आ, दोवें वैड़ा में पहले सूबे आ, झोटी भी पहले सूबे आ। आओ वीर जी उन्होंने गलबात करते हैं, पूछो नहीं सारी डिटेल। हाँ जी वीर जी, सत श्रीकाल जी। होर सुनाओ की हाल चाल जी। नाम दस दिया वीर जी करिए अपना। कमल जी। हाँ जी, भगवानपुर जिला गुरदासपुर, तहसील डेरा बाबा नानक। ठीक है जी, फोन नंबर भी बोल दिया जी। 8195082883। एक फिर बोल दे जी। 8195082883। ठीक है जी। आओ वीर जी शुरुआत करते हैं, जी पहले नंबर से जी वैड है वजी है, फेस क्वालिटी जी तुम देख सकते जी, बाकी थान हवाना मेरा देख सकते जी। हाँ जी वीर जी, किनवा सुबह सोई है जी? पहले सुबह तो मूँह धोती है, दंद विखा दी है जी। तो कि टाइम है कोई सूई ना? सूई चार दिन ही हो, चार दिन सूई ना हो। तो आ दंद जे आप देख सकते हैं प्योर दौंदी है। ठीक है, कि बोला जी वीर जी ये कोल तैयार? बोला 6 किलो होना जी। 6 लीटर 8-9 लीटर वीर जी ने कहते कि दुध करूगी, तो इस टाइम 6 लीटर दुध ये कोल जरा तैयार है। बाकी दरम्याना जहा कद है, बहुत व्डा कद नहीं है, तो बाकी सोहनी वैड है, मूँह जी दो दंद है। हवाना एक करिए दे, अभी तो जो मुल होना आप पुछते हैं। हाँ जी वीर जी, की मुल करना जी? ये फिर 27 चमानतन करोगे? कि दुध दस्या कर जूगी? 9-10 लीटर करो। ठीक है, तो हम बच्चा की आ गया? तो मगर मगर ये बच्चा, वह बच्चा जो दोस्त जो बने जी करी लागे तो दिखा दिए थानू नाड़ू ना लिया। आ हम जी इन बारे बाकी पशुओं बारे जानकारी थानू दें। हाँ जी वीर जी, आ वैड ने भी पहला सुबह सोना जी, ये भी धोंदी है, ये भी दंद विखा दी है जी। आ देख सकते दोस्तों, ये भी जी मूँह दो दंदी है। ठीक है, एक बार तोड़ के दिखा दी है, तो फिर जी डिटेल तुम दस दें। प्रिंट दोस्तों जरा बड़ा सोहना वा यदा, तो हवाना भी, हवाना तो प्रिंट दोवें चीज़ा जीडिया लाजवाब भी लगियां वा, तो मूँह भी जी दो दंद है। हाँ देख सकते प्रिंट, तो हवाना थल्ले एक जरूर नोट करो, बहुत सोहने जड़े पिंक कलर के थाने देखो लगे। हवाना गाँव भी सोहना है, तो हवाना पछाण भी सोहना है, करी हवाना पिछले तुम देख सकते जो, एक करी अगे तो भी थाने तुम दिखा दिए। हाँ देख सकते जी अगे तो भी थाना, सना का साइज जरा प्यारा है, सोहना सना का साइज जरा इन्हें तैयार करना। हाँ जी वीर जी, ये भी डिटेल दस दौ कि टाइम खड़ती सून च? 22 तरीक न दिन पूरे होने हैं, हले भी मतलब 10 दिन के करीब ही खड़ती है। अज हैगी 16 तरीक, कोई एक अद्धा दिन? हाँ जी, हफ्ता का मतलब हफ्ता का खड़ती है, हफ्ता हफ्ता का लै जूगी, तो हफ्ते तक तो हवाना होर सोहना तैयार कर। हाँ जी हाँ जी, हवाना वाहवा टाइट करूगी है ना। ठीक है, तो कि दुध करूगी पहले सुबह? 18 लीटर के करीब करूगी। ठीक है, तो की मुल करना जी? 50 चमानतन करोगे? ठीक है, ते वीर जी दुध फिर 18 लीटर कर जूगी? हाँ जी, तो प्लस भी कर सकती है, पर बाकी हम सेवा के दी रहा ना, हम आपा के दे देखा नहीं ना। हाँ जी, आप मतलब कि नॉर्मल सेवा दे जड़ा कि इतना के दुध दे रहोगे? हाँ जी हाँ जी, तगड़ी है दुध, तुम्हें पता घर का थोड़ा पानी दी। हाँ जी हाँ जी, प्रिंट भी जड़ा बड़ा प्यारा वा इहदा, आ देख सकते हैं आप, सोहना जड़ा इहदा प्रिंट है, तो कद भी चंगा, तो बॉडी वेट भी चंगा, तो मूँह भी दो दंद है, तो हवाना भी थले सोहना लगा। तो आ हुण जिहड़ी तीसरे नंबर ते एक झोटी तुहानूं दिखाउणी है, हाँ जी वीर जी, झोटी बारे भी दस दिओ जी।
ਝੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ? ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਜੀ? 8 ਕਿਲੋ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਹੁਣ। ਦੁੱਧ 8 ਲੀਟਰ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸੇਵਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ? ਨਾਰਮਲ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਸਵਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਵਾਉਗੀ? ਦੁੱਧ 10-11 ਕਿਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਊਗੀ। 10-11 ਲੀਟਰ ਚਵਾਉਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੁੱਧ 8 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੇ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ? ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਝੋਟੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸੂਵੇ ਨੇ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਖੜੂਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੋਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਮਗਰ ਕੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਥਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਥਣ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਲਕੀ ਮੇਨ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਕੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ। ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਝੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਬਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।